नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए बात करते हैं वुड डिस्पैच यानी कि वुड के घोषणा पत्र, कहीं कहीं इसे वुड का आदेश पत्र भी कहा जाता है, इसके बारे में। हम जानेंगे कि वुड का घोषणा पत्र क्यों आया, किस वजह से आया, और साथ ही साथ मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार वुड्स के घोषणा पत्र ने जहाँ एक तरफ हमें देश दुनिया के विज्ञान से जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ किस प्रकार से भारतीय शिक्षा नीति को एक नौकरशाही नीति में बदल दिया, किस तरह से हमारी शिक्षा को परीक्षा केंद्रित कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र में वो कौन कौन सी सिफारिशें थी जो चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा के लिए किया था। तो देखिए, चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, जिन्होंने 19 जुलाई 1854 को एक घोषणा पत्र जारी किया, और इस घोषणा पत्र में भारत के शिक्षा में व्यापक रूप से विचार किया गया और पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध किया गया तथा भविष्य की शिक्षा नीतियों की सुनिश्चित की गई। ये पूरा 100 अनुच्छेदों का एक प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय शिक्षा पर, उसके उद्देश्यों पर, उसके माध्यम पे विचार किया गया। और इस प्रकार से विचार करके चार्ल्स वुड ने एक सिफारिश भेजा उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, जिस पर लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकृति दी और उसे शिक्षा व्यवस्था में लागू किया। तो वो कौन कौन सी सिफारिशें थी, सबसे पहले सिफारिश की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सिफारिश लॉर्ड्स वुड ने शिक्षा के उद्देश्य तय किए कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें कहा गया कि भारत में शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, भारतवासियों तथा अंग्रेजों के राज्य हित को ध्यान में रख के कहा गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय के चरित्र और नैतिकता का निर्माण करे, और साथ ही साथ एक ऐसी शिक्षा दे जिससे वो राजदूत बन सके, राजपदों पे कार्य कर सके। कहने का सीधा सा मतलब है, ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अंग्रेजों के अधीन रहकर उनकी नौकरी कर सके, उनके वहां जॉब कर सके। शिक्षा का एक उद्देश्य ऐसा बनाया गया, तो इसको सॉफ्ट लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा बताया गया जिससे शिक्षा के बाद भारतवासी रोजगार प्राप्त कर सके, नौकरी कर सके, और अंग्रेजों के अधीन कार्य कर सके, उनकी कंपनी में भाग ले सके। क्योंकि अंग्रेज जब व्यापार करने भारत आते थे तो सारे वर्कर को अंग्रेज ब्रिटिश से नहीं ला सकते थे, उन्हें वर्कर के रूप में भारतीय चाहिए। तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे भारतीय उनके कार्यकाल में काम कर सके, कंपनी में उनकी बातों को मान सके और कार्य कर सके, और दूसरे भारतीयों से कार्य करा सके। तो ऐसी शिक्षा का उद्देश्य वुड ने अपने घोषणा पत्र में बताया। साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम क्या बताया उन्होंने, कि शिक्षा के माध्यम में उन्होंने बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी से कहा कि जो देसी भाषाएं हैं हमारी, हिंदी, संस्कृति और फारसी और अरबी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ स्मार्टली उन्होंने ये कह दिया कि इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी, मतलब जो हायर क्लासेज हैं उसमें इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी, और जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी उससे जॉब में प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदी, संस्कृत का ख्याल रखा और साथ ही साथ अंग्रेजी हमारे ऊपर थोप दी कि अगर अच्छा जॉब पाना है, अच्छी नौकरी पाना है, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, किस प्रकार से पाठ्यक्रम रखा गया उस वुड के आदेश पत्र में। तो देखिए, पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि भारतीय भाषाओं का और भारतीय पाठ्यक्रम का पूरा सम्मान है, लेकिन इसके साथ पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया गया। जो पढ़ाई लंदन के विश्वविद्यालय में होती थी उसको ऐड कर दिया गया, और कहा गया कि भारत की शिक्षा में कला, विज्ञान और इन सब चीज़ों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा दर्शन शास्त्र को, ताकि भारत के अंदर इन चीज़ों का भी ज्ञान होगा। तो देखिए, ये बात तो हो गई दिखाने वाली, लेकिन साथ ही साथ इसके विपरीत क्या हुआ कि हमारी जो आध्यात्मिक पावर थी, जो उस समय भारतीय अपने वेद, पुराण, पुराण गीता, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, इन चीज़ों को पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया मतलब कि आपको वो पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वरीयता की बात करी गई, विज्ञान, कला, दर्शन शास्त्र, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा थी, इसको प्रेफरेंस, इसको वरीयता दी गई। अपने देसी शिक्षाओं पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश और विज्ञान चीजों को ज्यादा ऐड किया गया। तो इस प्रकार का सुझाव दिया पाठ्यक्रम में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली और सबसे बेहतरीन सिफारिश यह थी कि घोषणा पत्र के आदेश दिया गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में, बंगाल, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिमी के प्रांत में एक एक लोक शिक्षा नीति की स्थापना की जाएगी। लोक शिक्षा नीति का क्या मतलब है कि एक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी जो इन चीजों को देखेगा कि शिक्षण प्रक्रिया सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, उनका मूल्यांकन करेगा, वहां शिक्षकों की भर्ती करेगी, वहां पे विद्यार्थियों का चयन करेगा। तो ये सारी चीजें मशवरा दिया गया कि भारत की शिक्षा में एक लोक शिक्षा नीति की स्थापना की जाए। अगली सिफारिश थी कि भारत के हर एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, उस विश्वविद्यालय में चांसलर हो, कुलपति हो, वाइस चांसलर, उप कुलपति हो, और भी अन्य सहायक गण हो, शिक्षक, एक पूरी टीम बनाई गई कि ये मशवरा दिया
गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना करें और उसकी पूरी एक सिस्टम बनाई जाए। और इस आदेश पे कार्य करते हुए उस समय तत्काल कलकत्ता, मुंबई, कई जगहों पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा और अन्य शिक्षाओं को उसमें ऐड किया गया। लेकिन ये जो भी विश्वविद्यालय थे वो लंदन विश्वविद्यालय की नकल पे बनाए गए थे, यानी कि लंदन विश्वविद्यालय के तहत ही भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड का अगला जो मशवरा था, उनका जो सुझाव था शिक्षा विभाग में, वो ये था कि वो शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध करना चाहते थे। क्रमबद्ध का क्या मतलब कि शिक्षा व्यवस्था की एक श्रेणी बन जाए, एक ग्रेड बन जाए, जैसे कि 1, 2, 3 क्लास 5 अटेंड, 10+2 ग्रेजुएशन। तो इस प्रकार से एक शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध कर दिया गया, विद्यालय को क्रमबद्ध कर दिया गया, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध करने का सुझाव चार्ल्स महोदय ने दिया था। दोस्तों पॉइंट्स काफी ज्यादा है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स देख के हम कवर अप करते हैं, ठीक है, चीजों को समझते हैं, बाकी लिखना तो अपनी भाषा में है। तो जन शिक्षा प्रसार किया गया, लोगों से मिला गया, उनके अंदर शिक्षा की भावना उत्पन्न की, उनके पढ़ने पढ़ाने की बात कही गई, साथ ही साथ शिक्षा से उनको जोड़ा गया। अभी तक क्या होता था कि कंपनी के अधिकारी और उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे, जो लोग गरीब थे, मजदूर थे, वो शिक्षा से दूर रहते थे। तो जन शिक्षा का प्रसार किया गया, सबको शिक्षा का अवसर दिया गया। तो ये एक और सुझाव रखा गया वुड, चार्ल्स वुड के द्वारा उनके आदेश पत्र में। अगला है सहायता अनुदान। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कार्य शुरू हुआ और बहुत ही अच्छा अपने आदेश में उन्होंने अंकित किया। सहायता अनुदान मतलब स्कॉलरशिप दी गई, बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, जो बच्चे पढ़ने के लायक थे और उनके पास पैसे की कमी थी, उनको शिक्षा का एक अनुदान प्राप्त किया गया। शिक्षा में एक स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की बात कही गई चार्ल्स वुड के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि जो लोग अध्यापन कर रहे हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दी जाए, उसके बाद अध्यापन कार्य में भेजा जाए। जैसे औषध शास्त्र मतलब मेडिकल्स की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, लॉ की बात करें, तो इनमें आने से पहले टीचर्स को प्रशिक्षण की बात कही गई चार्ल्स वुड महोदय के द्वारा। उन्होंने कहा कि टीचर्स को एक प्रशिक्षण की जरूरत है, तो ये सुझाव दिया चार्ल्स वुड ने। नेक्स्ट सबसे बेहतरीन उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने ये मशवरा दिया कि स्त्री शिक्षा मतलब पुरुष और स्त्री की शिक्षा बराबर मानी गई और कहा गया कि स्त्रियों को भी शिक्षा में भाग लेना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ये उनका था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट का बहुत ज्यादा, लेकिन इस वीडियो में इस लास्ट पॉइंट के साथ खत्म करें कि व्यावसायिक शिक्षा मतलब लड़कियों के लिए कढ़ाई बुनाई, पेंटिंग या फिर जिस व्यवसाय में लड़कियां प्रतिभाग करना चाहती थी उस शिक्षा को प्रमोट किया गया। इसके विपरीत बॉयज में जैसी शिक्षा वो प्राप्त करना चाहते थे, जिस प्रोफेशंस में कारपेंटरी, पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियंस या फिर जिस कार्य में, तो एक व्यवसायिक शिक्षा का मशवरा दिया गया चार्ल्स वुड के द्वारा। दोस्तों चार्ल्स वुड के इस आदेश पत्र को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है कि आप किस तरह से इस चीज का मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए विद्वानों के अलग अलग मत थे, कुछ विद्वानों ने इनके गुणों को भी बताया तो साथ ही साथ इनके दोषों को भी बताया कि इनका जो घोषणा पत्र था वो भारतीय शिक्षा के एतबार से किस प्रकार से सही था और इन नीतियां, ये नीतियां किस प्रकार से भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के हिसाब से कुछ कमियां थी उनको भी बताया। तो आइए देखते हैं, आइए इस घोषणा पत्र का मूल्यांकन करते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, क्या वुड्स के घोषणा पत्र के क्या दोष और क्या गुण है। दोस्तों तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स की, गुण की, कि इस घोषणा पत्र की अच्छाई क्या थी। तो इस घोषणा पत्र का जो गुण था, जो मेरिट था, वो तो प्रत्यक्ष था, वो तो डायरेक्टली विजिबल था कि जो जो भी मशवरे थे वुड्स डिस्पैच के, वो बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देंगे कि भारतीय शिक्षा के समर्थन में, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण हुआ, बहुत अच्छी बात है, सरकारी शिक्षा रखी गई, सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया, छात्रवृत्ति दी गई, शिक्षा को क्रमबद्ध किया गया, वुमेन्स एजुकेशन स्त्री शिक्षा की बात कही गई, टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं का सम्मान दिया गया। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भारतीय शिक्षा के हित में थी, ये मेरिट्स थी, ठीक है, जो भी मशवरे थे वो तो मेरिट्स थी, लेकिन इसके पीछे इनडायरेक्टली जो डीमेरिट्स थे, जो दोष थे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो आप इन बिंदुओं को आसानी से लिख सकते हैं, इस हेडिंग डाल के आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं जो भी चीजें समझ में आई है, लेकिन इनके गुणों को इनके दोषों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इनके दोष को जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इसने किस प्रकार से भारतीय शिक्षा के दोष थे, कैसे भारतीय शिक्षा को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसकी बात करें तो एक दोष हमेशा से रह गया कि इस घोषणा पत्र के बाद भी जो असंतुलन था ना, कि अमीर वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे, गरीब वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करने से रह जाते थे, वो चीजें बरकरार रही। क्यों? क्योंकि सरकार की अनुदान और जो छात्रवृत्ति जो चीजें थी वो भी उन्हीं को मिलती थी जो 50% अपने फीस स्वयं अफोर्ड कर सकते थे, जो फीस दे पाते थे उन्हीं को सरकार ने और छात्रवृत्ति प्रदान करी, यानी कि जो
बिल्कुल नहीं दे पाते थे, उनको उनसे सरकार ने हाथ खींच लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथ खींच लिया। तो ये जो असंतुलन था वो हमेशा बना रहा, ठीक है, ये इसका दोष था। और दूसरी बात करें कि शिक्षा जो थी ना, ये जब हम कॉम्पिटिटिव की बात करें, जब हम शिक्षा के आधार पे, डिग्रियों के आधार पे, मार्क्स के आधार पे नौकरी की जब बात हो गई, तो उच्च वर्ग के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो टोटल शिक्षा थी ना वो परीक्षा बेस्ड हो गई, ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य बन गया, शिक्षा का माध्यम बन गया। जो शिक्षा की असल मुद्दे थे, अचल उद्देश्य थे, नैतिकता, एक शैक्षिक व्यक्ति बनना, ये चीजें रह गई, ठीक है। दूसरा, शिक्षा का जो पूरा ढांचा था वो इंग्लिश आधारित था, पूर्णतः विदेशी हो गया। जो हमारी भारतीय शिक्षा थी, जैसे कि भारतीय के आयुर्वेद की बात होती, इन चीजों को बहुत हद तक पीछे छोड़ दिया इस घोषणा पत्र ने। तीसरी बात करें तो अंग्रेजी का माध्यम होना, मतलब टोटली अंग्रेजी को प्रेफरेंस दे दिया गया। अब इससे क्या हो गया, बच्चे जो मतलब जो लोग उस समय शिक्षा प्राप्त करते थे, अंग्रेजी समझ में आए या ना आए, अंग्रेजी को रटना, अंग्रेजी पे ज्यादा जोर देना, अपनी भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी को मानना, इस घोषणा पत्र के बाद से शुरू हो गया भारतीय शिक्षा में। तो ये सारी चीजें क्या हो गई भारतीय शिक्षा के अतबार से, ये इसके दोष हो गए। कुछ अन्य भी दोष हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट से, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे दोस्तों। और एक और इसका डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स ये था कि ये इस घोषणा पत्र के बाद जो शिक्षा थी ना वो टोटली विज्ञान और कला और आधुनिक और पश्चात शिक्षा पे आधारित हो गई। मतलब जो धार्मिक शिक्षा थी उसे बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया, उस धार्मिक शिक्षा को बहुत हद तक नीचे कर दिया गया, ठीक है। और इसी का कारण है कि हमें भी अपने करिकुलम में, आप ऐसे कितने लोगों ने अपने करिकुलम में अपने रिलीजियस जो हॉली बुक्स है उसको अपने करिकुलम में रखा। इवन अगर हम बात करें ना दूसरे मुल्कों की, तो जो होली बुक्स है उनकी जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताबें हैं, वो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती। खैर, तो इस प्रकार से जो हमारी धार्मिक शिक्षा थी ना उसे बहुत हद तक पीछे कर दिया गया, अंग्रेजी, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, इन सब चीजों के आगे हमारी धार्मिक शिक्षा को नीचे कर दिया गया दोस्तों। और एक और डिमेरिट्स ये था कि ये टोटली परीक्षा पूर्ण, मतलब एग्जाम बेस्ड हो गया। अब जिसका नंबर ज्यादा आए उसे अच्छा माना जाता था, जिसका नंबर कम आए उसे कमजोर माना जाता था। तो इसमें आत्मसम्मान की कमी होने लगी। जो बच्चे कम नंबर पाते थे, भले ही वो चाहे कितने भी अच्छे हो, भले वो चीजों को समझने में कितने भी अच्छे हो, लेकिन उन्हें कम आंका जाने लगा। ये टोटली शिक्षा नंबर बेस्ड हो गई, और पढ़ाई, शिक्षा प्राप्त करना नौकरी पाने का एक माध्यम बन गया। मतलब आध्यात्मिक और नैतिकता और एक इंसानियत वाली भावना, वो चीजें खत्म हो गई। एक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन की भावना शुरू हो गई, एक दौड़, एक रेस शुरू हो गया इस घोषणा पत्र के बाद। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी कि वुड डिस्पैच, उसका घोषणा पत्र क्या था, क्यों था, किस लिए था, इसका मूल्यांकन क्या था, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और वुड्स ने भारतीय शिक्षा के अतबार से उन्होंने कौन से मशवरे सुझाव दिए, इसके बारे में मेरी कोशिश थी कि छोटा सा एक्सप्लेन करके मैं आप जा दूँ। उम्मीद है दोस्तों कि मैंने कुछ हद तक कोशिश की आपको समझाने की, समझ में आई होगी चीज़ें। अगर दोस्तों समझ में आई हो चीज़ें तो प्लीज़ आप कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिए, क्योंकि आपके फीड से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और इस प्रकार से मैं वीडियो और बनाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट बताइए कि क्या चीज़ें कुछ समझ में आई है। देखो जो नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको स्वयं अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो सारी पीडीएफ है ना, जो सारे पिक्चर्स हैं, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और मैं वहां पे आपको इसके पीडीएफ भेजूंगा। दोस्तों मेरी आखिरी में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं मोटिवेट होता हूं, और वहां मैं चीजों को और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं छोटे से चुटकुले के साथ। देखिए एक बार एक यूट्यूबर ने एक ऐसा कंटेंट डाल दिया जो कि देश हित के खिलाफ थी, फिर उसके ऊपर FIR हो गया, उसे पकड़ लिया गया, उसे कोर्ट में ले जाया गया, और जज ने उसके वो फांसी की सजा दे दी, सजाए मौत सुना दी। तो जब उसे फांसी दिया जा रहा था तो उस समय फांसी देने वाले ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो। तो उस यूट्यूबर ने क्या कहा, उस यूट्यूबर ने कहा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सारे लोग हंसने लगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। और अगर आप अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज दूसरों तक शेयर कर ले, ताकि वो भी इन चीजों को जान जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।